बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लिंक ऑनलाइन क्लास ग्रेड 5 सब्जेक्ट उर्दू ग्रेड 17/4/2021 आपका पेज नंबर 70 तक कंप्लीट हो गया था। अब आगे आज हम करेंगे पेज नंबर 71। इसमें है दर्जे जुमलों में नुमाया किए गए अल्फाज के मुद्दात देकर खाली जगह पूर करें। इस्लाम में किसी गोरे को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं। सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करते रहो। जंग हो या अमन, हमें मुत्तहद रहना चाहिए। हक और बातिल में पता सिर्फ हक की होती है। सवाल नंबर 2 है, मंदरजे अल्फाज के मुद्दात लिखें। मुद्दात आपको पता ही है, जिद होती है अल्फाज का उलट। अल्फाज है इसमें आवाज, मुद्दात अंजाम, अपना पराया, बेकायदा बेकायदा, आबाद बर्बाद, अमानत खयानत, सवाल जवाब, बद नेक आला अदना, इत्तेहाद मुखालिफ बंजर ज़खेस। आगे देखिए सफर नंबर 72। सवाल नंबर 3 है, नुमाया दिए गए अल्फाज को मिसाल के मुताबिक मुद्दात में तब्दील करके जुमले दोबारा लिखें। एक साइड पे जुमले दिए हैं, अब उन्हीं को आपने मुद्दात में तब्दील करना है। अशरफ मंजूस आदमी है, अशरफ सही आदमी है। फिर जो हमने आगे काम करना है वो देखिए आप। दिन के वक्त गर्मी होती है, गर्मी का मुद्दात क्या होगा? सर्दी। तो दिन के वक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्दी होती है। ये सड़क बहुत तंग है, ये सड़क बहुत खुली है। कमरे में अंधेरा है, कमरे में रोशनी है। हमारा हमसाया बहुत अच्छा है, हमारा हमसाया बहुत बुरा है। मेरा बेटा बहुत जहीन है, मेरा बेटा बहुत नालायक है। मेरा दोस्त बहुत अमीर है, मेरा दोस्त बहुत गरीब है। आजकल बाजार में सस्ता सेब दस्तियाब है, आजकल बाजार में महंगा सेब दस्तियाब है। हमारा मुलाजिम बहुत अच्छा है, हमारा मुलाजिम बहुत बुरा है। इसी तरह आप लोगों ने ये जो दिए गए अल्फाज को मुद्दात में तब्दील करके जुमले साफ सुथरे रखने में करने हैं। फिर इसी तरह सवाल नंबर 4 है, दिए गए जवाब में से दुरुस्त जवाब के आगे दायरा लगाएं। लफ्ज भला का मुद्दात इसमें क्या होगा? अलिफ में भलाई है, बे में भले, जी में अच्छा, दाल में बुरा। जिससे देखिए सामने नजर आ रहा है आपको टिक लगा हुआ है, बुरा इसका मुद्दात है। फिर लफ्ज तौहीद का मुद्दात है, वादानियत बे बाहर, जी में शिरक, दाल है और सही कौन सा है? शिरक। इसी तरह आपने टिक लगा दी इस पर और काम आपने साफ सुथरा करना है और आपने अपना काम जो है वो 24 तक हफ्ते वाले दिन सबमिट करवाना है लाजमी। अच्छा अच्छा काम कीजिए। अल्लाह हाफिज़।